ये बालक गया था स्कूल पढ़ने मंगलवार को। जब वहाँ से लौट के आए तो इसके परिवार में ये खबर मिली कि इस बच्चे को स्कूल के मास्टर जयराज ने मारा है। वो अपना गरीब आदमी है, दिल्ली बम्बई में मजदूरी करते हैं, यहाँ उनके घर में कोई न था। अब जब ये खबर मिली तो पड़ोसी या उसके दादा लेके आए, पता लगा कि इसका पैर टूटा है। अब पैर में इंस्पेक्शन हुआ कि क्या हुआ, मगर स्कूल में मारने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई कल 2 बजे। सर मंगलवार के दिन जो है तो बच्चा गया स्कूल पढ़ने, उसके बाद जो है तो वहाँ से जब फार्म को लौट के आया तो लंगड़ाता हुआ आया और घर वालों से कहा कि मास्टर ने मुझे बहुत मारा है। तो बुधवार को उसको बांधा लेकर के आया, तो जैसे दिखाया उसको तो उसका पैर फ्रैक्चर था, तो उसमें जो है तो प्लास्टर हो गया। उसके बाद जो है यहाँ की चोटें जो है अभी बाद में दिखाई दी कि मतलब ये यहाँ पर चोटें लगी हैं। उसके बाद जो है तो वो दर्द से करा रहा था, तो ये हुआ कि अब सुबह बांधा लेकर के चलेंगे। तो जैसे सुबह हुई उसके बाद जुमा का दिन था, जुमा वो पढ़ने गया उनके बाबा, 2 बजे आते आते जुमा के लौट के आते आते 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। क्या कुछ मामला कर सकते? ये एक लड़का है कक्षा 3 का अरबाज, ये सहयोग आश्रम विद्यालय में पढ़ता है और इसके बारे में इसके घर वाले आज बता रहे थे कि ये जब स्कूल गया था तो इसके टीचर ने मारा था, लेकिन कई दिनों से विद्यालय बंद है। तो ऐसे में अभी तक इसके पहले कभी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई थी, और जैसी चीज़ें आती हैं पीएम से हम लोग बाकी चीज़ें इसको पता करेंगे, इसके बारे में जांच और जो भी कार्रवाई होगी सारी कार्रवाई नियमानुसार की जाए।